तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई अमन और आप देख रहे हो कुसाना व्लॉग चैनल। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है, 5 बजने वाले हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये रही मेरी मौसी और अभी यहाँ की सफाई कर रही है। कल उस साइड की सफाई करी थी और ये मौसी ने सीढ़ी रखी हुई है छत की सफाई करने के लिए। गाइस, इससे एक बार तो गिर गई होती मौसी, लेकिन मानती नहीं है, फिर भी सफाई करती रहती है। और अभी मेरे चाचा ने गोरी का दूध तो निकाल लिया, बिल्लो का दूध निकाल रहे होंगे शायद, देखते हैं। तो गाइज, अभी चाचा बिल्लो का दूध नहीं निकाल रहे, थोड़ी देर में निकालेंगे। गोरी का तो निकाल लिया और मैंने रख भी दिया है। और अभी जिम्मी के पास चलेंगे, जिम्मी के पास भी चलेंगे, उसको दूध और रोटी खिला के आएंगे। और गाइज, मैंने आपको एक और बात बतानी थी, भी एक बुरी खबर है, मैं बताता हूँ। वैसे आप कमेंट में बता देना, नहीं चलो मैं ही बता देता हूँ। तो गाइज, 15 और 16 तारीख से हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइज, ये मेरे लिए बहुत बुरी खबर है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे, व्लॉगिंग भी करनी है और फिर पेपर भी आ रहे हैं, पेपर में भी अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे। तो आपको एक और बात बताना भूल गया था, भी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अभी हमने साइकिल बेच दिया है, लेकिन मैंने कल आपको डायरेक्ट दिखा दिया था, अभी साइकिल ले आए हैं। तो गाइस, ये ऐसा हुआ, भी मेरे चाचा है ना, जो उन्होंने मुझे झूठ कह दिया था, भी मैंने साइकिल बेच दिया है, लेकिन साइकिल बेची नहीं थी, ठीक करने के लिए दी हुई थी। तो गाइस, एक और प्रॉब्लम है, भी जो जिसको चाचा ने साइकिल ठीक करने के लिए दी हुई थी, वो अच्छे से साइकिलों को ठीक नहीं करता, उसने ख़राब कर दी थी हमारी साइकिल, मतलब पुरानी टीप आ दी थी। तो अभी दोबारा उसको दे के आए हैं, भी ठीक हो जाए। तो अभी चाचा मेरे ऊपर आए हुए हैं, गोरी का तो दूध निकाल लिया उन्होंने, अब बिल्लो का पता नहीं कब निकालेंगे। और हमारे जिम्मी के लिए दूध ले जाना है, मैं दूध ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो वैसे रोटी तो है नहीं गाइस आज, और सेमी भी रखी हुई है दूध वाली, देखते हैं। वैसे मुझे इतना पता नहीं है भी डॉग कुत्तों को क्या खिलाना चाहिए, सेमी खिलानी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए, तो मैं शायद दूध ही ले जाऊंगा। तो गाइस, मुझसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जिम्मी के लिए दूध डाल रहा था और ये देखिए क्या हो गया, थे देखिए गाइस, मुझसे दूध खिंच चुका है और ये दूध अच्छी तरह डला भी नहीं है, तो अभी मुझे साफ करना होगा। तो गाइस, मैं इसे साफ करके फिर जिम्मी के लिए दूध ले जाएंगे अभी। तो गाइज, मैंने जिम्मी के लिए दूध तो ले लिया और अभी इसका बर्तन ले लेते हैं जिसमें जिम्मी को दूध पिलाते हैं। तो ये रहा गाइज वो, तो अभी चलते हैं। तो गाइज, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, मैं रसोई बंद करना भूल गया हूँ और अभी बंदर आ जाते तो रसोई का सारा सामान इधर उधर कर देते, तो इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। और आपने बात एक और नोटिस करी होगी गाइज, भी कल वाले व्लॉग में मैं ज़्यादातर बीच में हरियाणवी बोल रहा था, तो थोड़ी बहुत याद सी होती है ना, जो हम भाषा बोलते हैं वही मुंह पे आ जाती है। तो अभी चलते हैं जिम्मी के पास। तो गाइज, हम अपनी पुरानी जगह पहुंच गए हैं और ये रही मेरी जिम्मो, मैं अपना बैक कैमरे दिखाऊं। अरे देखो, रोहित भी आ गया स्कूल था ना, ट्यूशन था आया नहीं, हाँ ट्यूशन था। अरे जिम्मी ठीक हो रही है, तो इसका खांसी भी लग गई थी, ठीक होने लग रही है। देख जिम, पंजा पंजा दे, फोन नहीं चाटा। तो गाइस, इसका पंजा देना भी कह दिया, तो ये भी चला इसने छोड़ का, देख मर गला गला आने लग रही है। तो गाइस, ये सारी पंजा मेरे लग रही है, अरे रोने ना पाओ, रोने ना पाओ। तो गाइस, मेरे चिपड़े लग रहे हैं, देख लो, अरे कपड़े तार रहे हैं। क्यूब के लिए पैसे नहीं मिले हैं, कोई नहीं, मैं दुआ दूंगा। और अभी कह रहा था मेरे लिए क्यूब लाइयो, कोई बात नहीं गाइस, तो आज कर चलेंगे कहीं भी सरकारी स्कूल में। तो गाइस, ये कह रहा है सरकारी स्कूल में, लेकिन बंदे को नहीं है। यस गाइस, हम नहीं जाएंगे, रोले ना पावा भाई। कौन सा भूतिया घर भाई, ये रहा भूतिया घर महाराज। तो इसने भूतिया घर कहने लग रहे हैं, देख लो भाई, देखिए रोड़े पान लग रहे हैं। अरे देखिए धूम 3 पचड़ गए हैं। अरे ना
इन्हें देखिए रोहित सारंग ने लड़ाई मचा लिया, देखिए लड़ाई मच रही है उनकी। अरे सारे बच्चे मेरे पीछे छोड़ रहे हैं, सारे मेरे खेल खेलने लग रहे हैं। इसके एलो मैं रोज खेल लूंगा। और ये पीछे जंगल सा पेड़ है यहाँ। और गाइस ये देखिए और रोलिंग पाव जय देखिए और लेंटर पान लग रहे हैं। ये छोटा है बहुत छोटा बहुत शैतान है सुधार लेवा। गाइस इस छोटे से बच्चे की बात मान लिया मैं हमने। अरे ओए तेरा नाम क्या किन्नू? तो गाइस इसका सही नाम तो कुछ और ना किन्नू का एकरा कनिष कनिष। तो सरकार स्कूल में दूर आ जा तो सकते नहीं है, मतलब उसका गेट दूर आ तो पूरा उसी कांदा इस पर देखने की कोशिश करा दिखा के नहीं। गाइस देखियो कांडे में फंस गया मैं। अरे वो तो सब मां अगा चला क्योंकि इन्हें सरकारी स्कूल का बहुत शौक रहा। इनो का स्कूल आया सरकारी स्कूल में जावा तो गाइस ये तो कांदे पर बैठ गया। और सरकारी स्कूल की हाल देखो जिम बेकार हो ही रहा। देखा मैं था ना उल्टा कैमरा था। देखो भाई किस तरह जंगी झुंकी टूटी पड़ी है सरकारी स्कूल की। वो लाइट मच रही है देख अंदर। गाइस हम कांदे टपके आ गए हैं और ये सब तो आगे जा रहे हैं। और ये देखो कमरे। अरे गाइस अभी रात हो रही है कलर से गिर रहे हैं वीडियो में इसलिए ज्यादा दिखाएंगे फिर कभी रहने दे फिर कभी आके दिखाएंगे आपको। तो अभी चलते हैं कांध पे से टपना होगा। हाँ गाइस एक कमरे में लाइट ऑन है तो मैं वो वाला तो दिखा देता हूँ और में लाइट ऑन नहीं है। तो गाइस ये देखिए पूरा कमरा वो बोर्ड है दो और ये बैठने के लिए बेंच है। तो इस कमरे में लाइट ऑन थी इसलिए मैंने ये दिखा दिया। और ऐसे यहाँ पर वैसे हालत तो बेकार है गाइस सरकारी स्कूल की, दरवाजे भी टूटे हुए हैं लेकिन ठीक है। गाइस आज मैं इतना ही दिखाऊंगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है अच्छे से दिख नहीं पाएगा तो मैं फिर कभी और दिखाऊंगा। और अभी चलते हैं कांद पे चढ़ना होगा अभी तो मुश्किल से देखते हैं चढ़ते हैं फिर बात करें। A few inches later. तो गाइस मैं फाइनली घर पहुंच गया हूं और बहुत टाइम हो गया। और मैंने जैसे आपको बताया हमारे पेपर भी होने वाले हैं और अब तक मैंने अपना बैग भी देखा कहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी मैं पढ़ूंगा पढ़ाई करूंगा और आज इसको देखता हूँ भी आया है नहीं। और मैं तो गाइस आज इनसे भी नहीं मिला, गौरी से नील से बिल्लो से सनी से। येरा नील अभी भी पता नहीं क्या हो रहा है डरता रहता है सारा दिन। और इस बल्ब का कितना फ़ायदा है अच्छे से क्लियर दिख रही है। और सनी हमारा बहुत ठीक है ये डरता भी नहीं है ऐसे ही हमारे पास रहता है बिल्कुल जिम्मी के पास। तो गाइस अभी आयुष आएगा, आयुष तो ब्लॉग बनाता ही नहीं है तो इसलिए आपने आयुष को बहुत कम देखा होगा। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं जब वो बच्चे मिलते हैं ना तो मैं हरियाणवी बोलने लग जाता हूँ क्योंकि वो भी हरियाणवी बोलते हैं तो इसलिए थोड़ी सी हरियाणवी में बात करने लग जाता हूँ। और सरकारी स्कूल भी थोड़ा सा बिल्कुल एक झलक सी भी नहीं थी, वो तो वैसे ही साइड से था दिखाया क्योंकि गाइस आज अंधेरा होने वाला था फिर कभी चलेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। और अभी मैं इसका सिर सा साफ कर रहा हूं देना कैसे भूस में अपने सारे सिर धसा लेते हैं। और गाइस ये बताना भी जिम्मी को घर ले आए या नहीं। वैसे तो मैं सोच रहा हूं बहुत अच्छी कुत्ती है, वो गार्डिंग भी करती है अच्छी तरह से और उसके जो ये खाज वगैरह होती हैं वो भी अब हट गई हैं लगना। पहले उसे ज़्यादा खाज लग रही थी इसलिए मैं पहले घर नहीं लाया था उसे। तो गाइस अभी आयुष को शायद चाचा लेने गया हुआ है वरना मैं जाऊंगा। और गाइस आप ये बता देना अगर आपको चाहिए कि डॉगी की ज़्यादा वीडियो बनाया करूं तो आप कमेंट कर देना जिस भाई को ये चाहिए भी डॉगी की वीडियो तो मैं अच्छी अच्छी नस्ल होती हैं कुत्तों की वो सारी लाऊंगा और आपको वीडियो में बताऊंगा भी ये ऐसे इसको ऐसे डाइट देनी चाहिए। वैसे मुझे कुत्तों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। और अब गाइस बिल्लो भी अब ठीक हो गई है, अभी चाचा भी आ गए हैं शायद आयुष को लेने गए थे या किसी काम से गए होंगे तो मैं आयुष को लेने जाऊंगा। तो आज का हैंड पशुओं के साथ करते हैं बिल्लो गौरी नील सनी के साथ। तो यही था गाइस आज की हमारी वीडियो में। लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।